अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक मैट्रिक का मैथ्स है और हम आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक का सेट्स का क्वेश्चन है। वो पहला क्वेश्चन आता है आपका पेपर में। अब आप इसे देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आता है आपका और कैसे ये सॉल्व होता है। आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता है मैट्रिक में, यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट, ये आपका क्वेश्चन है मैट्रिक का। यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है इसमें, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट देखें, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में आपको ए यूनियन बी गिवन है, यूनियन मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट, ठीक है। तो हम जब इसको फाइंड करेंगे तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सेट ए लिखेंगे, देन सेट बी लिखेंगे और इसे कंबाइन कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सेट ए और सेट बी इन दोनों को हमने यूनाइट करना है, कंबाइन करना है। तो सेट ए के जो मेंबर हैं 1, 2, 3 एंड सेट बी के जो मेंबर हैं 2, 4 इनको कंबाइन करके जब लिखेंगे तो 1, 2 जो है सेम है, 2 दोनों में, बोथ ए और बी दोनों में, तो 1 टाइम लिखेंगे, 3 एंड 4 तो ये हो गया ए यूनियन बी आपका। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो डैश आपको नजर आ रहा है ब्रैकेट के ऊपर ऐसे, इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है, और डैश भी कह सकते हैं। तो ए यूनियन बी आप फाइंड कर चुके हैं। जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कि किसी भी सेट के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो उसे यूनिवर्सल सेट से हम माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो उसे हम यूनिवर्सल में से ए सेट को माइनस कर देंगे। बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो यूनिवर्सल में से हम सेट बी को माइनस कर देंगे। मगर आप यहां देखें ये पूरी होल ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, तो इस कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी जो आपने सेट फाइंड किया इसे माइनस कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको यूनिवर्सल सेट चाहिए जो कि क्वेश्चन में गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आप देखें इधर 1, 2, 3, 4 एंड 5 सेट यूनिवर्सल सेट आपने पुट कर दिया। देन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी सेट जो आपने 1, 2, 3, 4 फाइंड किया, ये भी आपने पुट कर दिया। अब आप आंसर निकाल रहे हैं, दोनों को आपस में माइनस कर दें। ए यूनियन बी के सेट में 1, 2, 3 एंड 4 1 माइनस कर दिया आपने, 2 कट कर दिया, 3 कट कर दिया एंड 4 ए यूनियन बी के 1, 2, 3 एंड 4 जो है वो यूनिवर्सल सेट में से आपने माइनस कर दिए। तो रिमेनिंग ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में जो रिमेनिंग रह गए वो सिर्फ रह गए आपके नंबर 5। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। जब भी आपके पास ऐसा कोई सेट का क्वेश्चन आएगा कि जिसमें यूनियन करना है और कॉम्प्लीमेंट करना है तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।